अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिएगा कि किस तरह से हैं होती है ये डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। देखिए, हमारे पास 509 डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है जिसकी बेस होती है 10 और उसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट्स डेसिमल नंबर सिस्टम में नॉर्मली होते हैं। हम इस नंबर सिस्टम में से, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर 509 को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, तो इसमें 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये दो डिजिट्स ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं होते। अच्छा जी, तो देखते हैं 509 को किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है। नॉर्मली वही डिवीजन का मेथड, डिवाइड करने का मेथड यूज़ किया जाएगा और 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जिस नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में जाना चाह रहे हैं वो नंबर सिस्टम है, उसकी बेस है 8, इसलिए 8 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 8 से छोटा ही बचेगा। 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8, 6, 50 फाइव से छोटा नंबर नहीं आ सकता। 50 से छोटा नंबर हम जो सर्च करेंगे 8 टेबल में, तो हमारे पास 8 की टेबल में 6 पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 6 से, तो हमारे पास आ जाता है 48। 50 में से 48 को जब माइनस करेंगे रिमाइंडर बचेगा 2। 2 9 के साथ जाएगा, ये 29 बन जाएगा। 8 की टेबल में 29 से छोटा जो नंबर आता है वो होता है 24, तो 8 3 24। जब 29 से 24 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा, 5 रिमाइंडर बराबर में यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इस तरह से 8 की टेबल में 63 को सर्च करेंगे या इससे छोटा नंबर सर्च करेंगे तो 8 7 56 होता है। 63 में से 56 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर बचता है, रिमाइंडर बचता है 7, इसलिए 7 यहाँ लिख दिया जाएगा। अब डिवाइडर 8 था जबकि यहाँ पर नंबर आ गया रिमाइंडर 7, इसलिए मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, हमारा आंसर 775 हो जाएगा। ये 775 ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक नंबर है। इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पर। 2 क्वेश्चन में 3098 नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम का एक नंबर है, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिएगा किस तरीके से, वही मेथड, 8 से डिवाइड किया जाएगा, 30 से छोटा नंबर सर्च करेंगे 8 की टेबल में। तो 8 3 24 होता है 30 से छोटा नंबर, 24 जब 30 से माइनस होगा रिमाइंडर 6 बचेगा, 6 9 के साथ जाएगा ये 69 बन जाएगा, 6 9 के साथ जाएगा ये 69 बन जाएगा। 69 से छोटा नंबर 8 की टेबल में 8 8 64 होता है, 64 जब 69 से माइनस होगा तो हमारे पास रिमाइंडर 5 बजेगा, 5 8 के साथ जाएगा ये 58 बन जाएगा। 7 8 को 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 56 आएगा, 58 में से 56 माइनस करते हैं रिमाइंडर 2 बचता है, रिमाइंडर बराबर में लिख दिया जाएगा। इस तरह से 8 4 हमारे पास जो नंबर 38 से नंबर छोटा नंबर सर्च करना है तो 8 4 36 32 होता है, बल्कि हमें 8 की टेबल में 38 से छोटा नंबर सर्च करना था तो 8 4 32 होता है। 38 में से 32 माइनस करेंगे रिमाइंडर बचेगा 6 6 7 के साथ देखा 67 हो जाएगा। 67 से छोटा नंबर 8 की टेबल में सर्च करता है 8 8 64 होता है, 67 में से 64 माइनस करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ लिख दिया जाएगा। 48 से छोटा नंबर 8 की टेबल में सर्च करना है, 8 की टेबल में 8 6 हमारे पास 48 ही आता है, रिमाइंडर 0 बचेगा। इस तरह से हमारा आंसर, ये 6 रिमाइंडर जो है वो 8 से छोटा हो गया है, इसलिए मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा 6032 6032, जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक नंबर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्वेश्चन में 6649 डेसिमल का एक नंबर है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 8 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, 8 8 66 से छोटा नंबर सर्च करेंगे, 8 8 64 होता है, 66 से 64 माइनस करेंगे हमारे पास रिमाइनिंग बचेगा 4 4 4 के साथ जाएगा 44 बनेगा। 8 की टेबल में 44 से छोटा नंबर सर्च करेंगे, हमारे पास 3 रिमाइंडर बच रहा है, 8 8 से 64 66 से 64 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3। जब रिमाइंडर बचेगा 2 को हम यहाँ 2 के 4 के साथ लिखेंगे 24 को 3 8 के लेवल में सर्च करेंगे तो 8 3 24 होता है।
अब रिमेनिंग जो 9 बचा है तो 8 वन ज़ा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस होता है, रिमाइंडर 1 बचता है, वन यहाँ लिख दिया जाएगा। 8 की टेबल में फिर डिवाइड करेंगे, 8 वन ज़ा 8, 8 ज़ीरो ज़ा 0, या हम नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, 10 ज़ा 80, 83 में से 80 माइनस हुआ, रिमाइंडर 3 बचा, 3 यहाँ 31 के साथ जाएगा, 31 बन जाएगा। 8 की टेबल में 31 से छोटा नंबर सर्च करेंगे तो 24 आता है, 83 से 83 से 24, 31 से 24 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। इस तरह से 8 वन सा 8, 10 में से 8 माइनस होगा, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 3 के साथ जाएगा, 23 बन जाएगा। 8 की टेबल में 23 से छोटा नंबर सर्च करेंगे तो 8 2 से 16, 23 में से 16 माइनस होगा तो रिमाइंडर 7 आएगा। इस तरह से 8 वन सा 8, 12 में से 8 माइनस होगा, रिमाइंडर 4 आएगा। अब ये 1 रिमाइंडर छोटा है 8 से, इसलिए 14771 हमारा आंसर कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम को में से कोई नंबर ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या मेथड यूज़ किया जाता है। मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी सलूशन आपको दिखा दी जाती है, आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन 4 है, देख लें, इसमें आंसर हमारे पास 17016 आ रहे हैं, 7694 को हमने डिवाइड करना स्टार्ट करा था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6984, इसे डिवाइड करने से आंसर हमारे पास 15510 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 7862, सेम यही मेथड यूज़ होगा, 17266 जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक आंसर आ रहा है हमारे पास। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7 क्वेश्चन हमारे पास 8946 है, ऑक्टल में जब कन्वर्ट करा 216362 आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन 8 है, 8 क्वेश्चन 3987 है, कन्वर्ट करा तो 7623 ऑक्टल का आ गया। इस तरह से 6297 डेसिमल का नंबर था, कन्वर्ट करा तो 14231 ऑक्टल में आ गया है। आप नॉर्मली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे ऑक्टल नंबर सिस्टम के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई होप कि आपको डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अस्सलामु अलैकुम।